भरूच पास के मुलद टोल टैक्स के पास खाकी वर्दी की आड़ में पुलिस कर्मचारियों द्वारा लोगों की समस्या सुलझाने के बदले वाहन चालकों को रोककर सरेआम लूट मचाने की घटना एक वीडियो में कैद होते हुए वीडियो वायरल हुआ है। एक और कोरोना वायरस की महामारी के बीच लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए तथा तमाम नियमों के पालन के लिए फर्ज अदा की जा रही है, तो वहीं पुलिस की ही मास्क बिना काम करता और वो भी वाहन चालकों की लूट मचाता हुआ एक वीडियो इन दिनों कैमरा में कैद होते हुए वायरल हुआ है। खाकी वर्दी की आड़ में मुलद टोल टैक्स पर लोगों की लूट मचाते हुए पुलिस कर्मचारी, ये कौन से खाकी वर्दी के भेष में पुलिस कर्मचारी है, वो भी एक गंभीर सवाल बना है। मुलद टोल टैक्स के पास भरूच की ओर से आने वाले रोड पर एक सरकारी पुलिस गाड़ी के पास कई पुलिस कर्मचारी अपने खाकी वर्दी पर बगैर बक्कल नंबर के और नेम प्लेट बिना कैमरा में कैद हुए हैं, जिनमें से कई पुलिस कर्मचारी बिना मास्क पहने हुए वाहन चालकों को रोककर दंडित करने के साथ रुपए की लूट मचा रहे हैं, जो फुटेज में साफ तरीके से नजर आ रहा है। जिसके बाद मीडिया को जानकारी होते हुए स्थल पर पहुंची मीडिया द्वारा इस बारे में पूछताछ जारी की गई, तो वहीं पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपने बचाव में गोल गोल जवाब दिए गए थे, जिसमें मीडिया के सवालों से घबराए हुए पुलिस कर्मचारी बाद स्थल से 9:11 हो चुके थे। मुलद टोल टैक्स पर लोगों की समस्या और ट्रैफिक हल करने के बदले सरेआम लूट मचाने का ये वीडियो इन दिनों वायरल होते हुए एक बार फिर पुलिस की कामगिरी पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।